चाहे आप किसी के पास जाना चाहते हो चाहे किसी से दूर जाना चाहते हो, दोनों यही है कि आपके दिमाग में कोई बैठा हुआ है या बैठी हुई है, बट उसके दिमाग में कोई और है, वो वहां भाग रही है, आप यहां भाग रहे हो, तब आपकी हालत पता कैसी हो जाएगी? जैसे गली में आपने देखा होगा जब कुत्ते गाड़ी के पीछे भागते हैं। अब यहां से बाहर कैसे आए? बाहर आना जरूरी है ना, तभी तो आप अपने करियर पे फोकस करोगे, तभी तो ये देख पाओगे कि आप किसके दिल में हो या आप किसके दिमाग में हो। नहीं, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट क्या है? आप किसी ऐसे इंसान के साथ में रहो जो आपके तो दिलो दिमाग में है लेकिन उसके दिल और दिमाग में कोई और है। ऐसे इंसान के साथ जिंदगी भर रहो, या बेटर है किसी ऐसे इंसान के साथ रहना जिसके दिल में दिमाग में सिर्फ आप ही आप भरे हुए। सर वो भी करके देख लिया कुछ नहीं। माइक दो भाई साहब को, बताइए भाई साहब, पकड़ सकता हूँ? बताओ अपने एक्सपीरियंस के बारे में। मेरी एक गर्लफ्रेंड थी कॉलेज टाइम पे, 6-7 महीने में उसने मेरे को पटाया था। ये बोलना चाहते हो आप? मतलब मैं यहाँ पे कैमरे में कोई दिक्कत? हाँ, कोई दिक्कत नहीं है। सच है झूठ है? नहीं, अच्छा ठीक है। हाँ तो गर्लफ्रेंड थी, उसने आपको पटाया था? हाँ बिल्कुल। बड़ी बेली थी? गुड लुकिंग? 6 महीने लगा करके आपको पटा लिया उसने फाइनली। फिर क्या हुआ उसके बाद में? 1.5 साल रिलेशन चला। हाँ, उसका रोका वगैरह हुआ। हाँ, वहाँ से फोकस आया काम करो, पैसा कमाना है ताकि उसे घर वालों से बात कर सकें। अच्छा, देन फिर मेरे को बोलती है उसके पास ऑडी है। फिर उसको मैंने बोला तू घर से निकल जा, बाकी मैं देख लूँगा उसकी शादी। उसने मेरे को बोला मैं 2 सितंबर को आऊँगी। देन पता चला उस दिन उसकी शादी थी, मुझे मतलब रोकने के लिए उसने ऐसा बोला था। अच्छा, देन फेसबुक पर उसकी फोटो देखी। अरे दोबारा ये हंस के हो रहे हो, दुख भरी कहानी है। तो भाई के ऊपर क्या बीत रही है? मैं थोड़ा ये हाथ रख दूं, थोड़ा आपको कंफर्ट मिलेगा। 2-3 महीने देवदास बन के रहे, 9 kg वेट लॉस हुआ। अरे देन फिर एक नई लड़की आई, उसने भी आपको पटाया। उसने मुझे बोला तो मुझे तुम्हारी आंखें अच्छी लगती है। फिर धीरे धीरे बातें चली। ये भाई कुछ नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे जो लड़कियां बैठी है ना उनको सिग्नल दे रहे हैं, पता लगे एक एक करके लड़कियां आए आंखें देखे। और देन फिर पता चला उसका और भी बॉयफ्रेंड है। अच्छा, उसका एक और बॉयफ्रेंड भी था। हाँ। लेकिन आंखें आपकी अच्छी लगती थी? नहीं, मतलब रिलेशन में 1 महीने रहा, फिर लोहड़ी पे ब्रेकअप हुआ था। लोहड़ी के दिन पे? मतलब क्या वो मतलब फुल्ले वहां पे चढ़ा रहे थे? नहीं, नहीं, नहीं। मैं नहीं दूंगी तुझे फुल्ले। क्यों ब्रेकअप? ऐसा कुछ नहीं, मैंने उसको लोहड़ी पे विश नहीं किया, सुबह उसका व्हाट्सएप पे मैसेज आ रखा था। धार्मिक लड़की। देन अभी मैं आपके फर्स्ट सेशन में आया था, उसके 4-5 दिन पहले पता चला वो लड़की फरार हो रखी है, 2-4 लॉन्डो से पैसे ले रखे हैं। फरार हो गई? आपके ऊपर मेरे को लग रहा है एक मूवी बननी चाहिए। नहीं, मतलब लग नहीं रहा भाई के ऊपर। चलो ठीक है, सो गुड, बन गया। अगले सेशन में फिर मिलेंगे। मैं सीरियसली बोल रहा हूँ, गद्दा वद्दा लगवा दूँ आपके लिए, हाथ में गजरा लेके बैठे रहना। संदीप बोल बोल बोल, अच्छा बोलता है। हाँ, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, सी यू ऑन द कमिंग सैटरडे। थैंक यू।